नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 32 एम्पियर की एमसीबी और 32 एम्पियर की डीपी स्विच। तो फ्रेंड, डीपी स्विच और एमसीबी में क्या फर्क है, क्या अंतर है, इसे कहां पर यूज करें और कैसे यूज करें और किस तरह यूज करें, तो फ्रेंड इस सब की डिटेल पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारी जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम बात करेंगे 32 एम्पियर डीपी स्विच के बारे में, तो फ्रेंड अब यहां पर जो है हम एक एसी ले लेते हैं। तो फ्रेंड अब यहां पर हमारी एक सॉकेट एसी के बगल में कनेक्ट है। अब फ्रेंड यहां पर हम बात करेंगे हमारे डीपी स्विच के बारे में। तो फ्रेंड ये हमारी डीपी स्विच है, इसमें चार टर्मिनल होते हैं। लाइन वन AN1 और लाइन टू और AN2 यानी न्यूटन। तो अब फ्रेंड यहां पर जो है हमारे 32 एम्पियर की जो डीपी स्विच है ये एसी के लिए हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड यहां से हम ले लेते हैं L और N यानी लाइन, तो यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। L लाइन टू में कनेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड यहां से हम लेके आएंगे न्यूटन और न्यूटन टू में कनेक्ट करेंगे, जहां पर एन लिखा रहेगा एन टू उसमें कनेक्ट करेंगे। तो अब फ्रेंड यहां पर हम बात करेंगे न्यूटन और फेज दोनों कनेक्ट कर लिए हैं। अब फ्रेंड यहां से हम लेकर जाएंगे अपने सॉकेट में यानी एसी डग में जो हमारी एसी की वायर निकली हुई है। अपने यहां से हम जो है वायर जब भी निकालेंगे फेस वायर डीपी स्विच को, तो यहां से लेके जाएंगे और यहां पर एल में कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड न्यूटन को लेके आएंगे, न्यूटन में कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड यहां पर हम बात करें अर्थिन, तो फ्रेंड अब यहां पर जो है न्यूटन कट होता है डीपी स्विच में। 32 एम्पियर डीपी स्विच में न्यूटन को कट किया जाता है और फेस को भी कट करके ये डीपी स्विच आगे भेजती है। जैसे आप बंद करेंगे यहां पर हमारा न्यूटन कट हो जाएगा और फेस भी कट हो जाएगा। जैसे हम चालू करेंगे तो यहां से न्यूटन भी सप्लाई मिल जाएगा और फेस में भी सप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहां पर हम बात करेंगे अब वायर का। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं काम करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहां पर हमसे पूछा जाता है कि हम एसी के लिए कितने एमएम की वायर यूज करते हैं, तो वहां पर हम 4 एमएम की वायर बताएंगे। हम 4 एमएम की वायर यूज करते हैं। यहीं पर बात की जाए हमारी अर्थ की, अर्थ जो हमारी है अर्थ में हम कितने की एमएम की वायर यूज करते हैं, यहां पर 2.5 एमएम की वायर यूज करते हैं। तो फ्रेंड यहां पर हमको पता चल गया कि हम एसी में कितने एमएम की वायर की वायरिंग करते हैं, 4 एमएम की। तो फ्रेंड आप लोगों को डीपी स्विच के बारे में पूरा पता हो गया होगा। अब फ्रेंड यहां पर हम बात करेंगे एमसीबी 32 एम्पियर की। जो हमारे पास एमसीबी है इसमें दो टर्मिनल होते हैं, 32 एम्पियर की एमसीबी जो हमारी एमसीबी है। अब फ्रेंड एमसीबी में दो टर्मिनल होते हैं, तो फ्रेंड अब यहां पर जो है हम पहले लाइन ले लेंगे और एक न्यूटन लेन लेंगे। तो फ्रेंड जैसे लाइन को हम नीचे से कनेक्ट कर देते हैं, और फ्रेंड यहीं पर हम बात करेंगे जो हमारी लाइन है ऊपर से यहां से इन हम कर दिए हैं, अब यहां से आउट लेके जाते हैं जो हमारी सॉकेट में कनेक्ट होगी। तो फ्रेंड जो हम सॉकेट में लेकर आए हैं तो हमारी जो न्यूटन है वो डायरेक्ट यहां से होकर जाएगी।
तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर न्यूटन को हम यहाँ से डायरेक्ट लेकर गए हैं। तो फ्रेंड एमसीबी स्विच में ये होता है कि हमारा जो न्यूटन है वो कटता नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पर चला जाता है। तो फ्रेंड डीपी स्विच में और 32 एम्पियर के स्विच में दोनों में फर्क क्या है, हमें इस चीज के बारे में जानकारी हो गई है। तो फ्रेंड जैसे कि हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एमसीबी स्विच और डीपी स्विच दोनों ही बोर्ड में ही कनेक्ट होती है, एमसीबी बॉक्स में नहीं। तो जैसे कि आप एंकर की देख रहे हैं, एंकर की हमारे पास है और ये दोनों रोमा में, जो रोमा हमारा बोर्ड होता है उसी में कनेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड आप भी इसके बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं, 6 मॉडल बोर्ड हो या 5 मॉडल बोर्ड हो फ्रेंड या 4 मॉडल बॉक्स हो, आप ये भी डीपी स्विच को आप 2 मॉडल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये 1 मॉडल में भी कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि हम बात करेंगे ये दोनों में फर्क आप लोग जान गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड इसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके बताते हैं दोनों में कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें होता है 4 टर्मिनल, 1, 2, 3, 4। और फ्रेंड यहीं पर हम बात करें एमसीबी में 2 टर्मिनल होता है, 1 और 2, 2 टर्मिनल। तो चलिए फ्रेंड अब इसे हम जान लेते हैं अच्छे तरह से। अब फ्रेंड यहां पर हम एमसीबी और डीपी स्विच का कनेक्शन करना आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड चलिए अब यहां पर हम ले लेते हैं, पहले हम डीपी स्विच की कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड अब यहां पर हम डीपी स्विच के कनेक्शन में कोई एक वायर ले लेते हैं हम, और चाहे आप ब्लू कलर की लीजिए चाहे रेड कलर की। तो चलिए फ्रेंड अब यहां पर हम फ्रेंड इस टर्मिनल में साइड साइड में वायर कनेक्ट करने के लिए दिए रहते हैं, नीचे नहीं दिए रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम साइड से हम कनेक्ट कर लेते हैं यहां पर। अब फ्रेंड यहां पर दूसरा वाला वायर जो है हम दूसरे साइड न्यूटन को कनेक्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड न्यूटन को हम यहां पर कनेक्ट कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब फ्रेंड हमारे पास है होल्डर, तो फ्रेंड एसी की जगह हमें होल्डर ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास यहां पर एसी नहीं है, तो फ्रेंड अब यहां पर हम इस होल्डर को कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। फ्रेंड फेस को फेस में कनेक्ट करेंगे और न्यूटन को न्यूटन में। फेस हम रेड ले लेते हैं और इसको यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड होल्डर का जो एक वायर है हम फेस ले लेते हैं और दूसरा वाला वायर जो है हम न्यूटन में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं एक बार, आप लोगों को दिखा देते हैं अब क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड यहां पर जो है हम बॉक्स के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड जैसे कि हमारी स्विच अभी ऑफ है यानी बंद है। अब फ्रेंड यहां पर हम स्विच को हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखते हैं हमारे बल्ब ग्लो करने लगा, जलने लगा। तो फ्रेंड इस तरह कनेक्शन होता है। अब हम इसे सॉकेट के थ्रू करके दिखाएंगे, इस तरह हम तो ट्राई कर लेते हैं। तो चलो फटाफट हम कर लेते हैं। अब फ्रेंड यहां पर हम फेस में रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड यहां पर न्यूटन को हम कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं वीडियो में कनेक्शन
हमने कर दिए। अब फ्रेंड यहाँ पर हम सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, न्यूटन न्यूटन में और फेस फेस में। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर एन लिखा रहता है टर्मिनल पे, तो जो हाँ टर्मिनल पे एन लिखा रहता है वहां पर हम न्यूटन वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर हम फेस वायर को फेस में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि हमने बताए थे कि एसी के पास जो है हमारी सॉकेट है और हमारी एमसीबी जो 32 एम्पीयर की डीपी स्विच या एमसीबी यहां पर बोर्ड में है। तो फ्रेंड अब यहां पर हम कनेक्ट करेंगे होल्डर और बल्ब। तो फ्रेंड इस होल्डर और बल्ब के हम इसके यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड यहां पर हम सप्लाई को ऑन कर देते हैं, सप्लाई यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड सप्लाई यहां से हम स्विच को ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड स्विच को वहां से ऑन कर दिया। अब फ्रेंड यहां से हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हमारे यहां पर सप्लाई ऑन हो गई। तो फ्रेंड जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पर हमारी एसी है, जब हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा न्यूटन और फेस दोनों एक साथ ऑन हो रहा है और एक साथ कट हो रहा है। तो अब फ्रेंड यहाँ पर हमारी जो है रिटर्न जाने की सप्लाई कोई मतलब डर नहीं है। फ्रेंड अब मान लीजिए बीच में वायर कट गया या यहाँ पर कट गया वायर या यहाँ पर वायर कट गया है, तो वहाँ से रिटर्न सप्लाई जाने की डर। अब फ्रेंड यहाँ पर हम 32 एम्पियर में एमसीबी में कनेक्शन करके बताएंगे। तो अब चलिए फ्रेंड इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर हम एक वायर ले लेंगे और एमसीबी के नीचे वाले सिरे पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड नीचे वाले सिरे पे हम कनेक्ट कर दिए। अब फ्रेंड जो है कि हमारे सॉकेट में पहले से वायर कनेक्ट है, जो अभी अभी हम 32 एम्पियर के डीपी स्विच में कनेक्ट किए थे। तो अब फ्रेंड ये जो हमारा रेड वायर है हम एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर एमसीबी में कनेक्शन हो गया। तो अब फ्रेंड यहां पर हम बात करेंगे न्यूटन की। तो जो हमारी न्यूटन है इसमें जो एमसीबी से कनेक्ट होकर नहीं जा रहा है, अब ये डायरेक्ट फ्रेंड डायरेक्ट के लिए हमें यहां पर वायर को ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहां पर हम वायर को ज्वाइंट कर देते हैं। अब फ्रेंड यहां पर हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड यहां पर हम सप्लाई को कर देते हैं कनेक्ट और फ्रेंड न्यूटन वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड मान लीजिए हमारी जो एसी है और एसी को हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के साथ में। तो फ्रेंड यहां से हम स्विच को कर लेते हैं ऑन और एमसीबी को यहां से करेंगे ऑन। तो फ्रेंड देख सकते हैं जैसे कि हमारी बल्ब जो है ग्लो करने लगा और चालू हो गया। तो फ्रेंड इसमें जो है न्यूटन कट नहीं होता है हमारी एमसीबी में, क्योंकि एमसीबी सिर्फ फेस यहां से कट होता है और फेस ही यहां से भेजा जाता है, इन आउट होता है। तो फ्रेंड दोनों की जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, डीपी स्विच में और 32 एम्पियर की डीपी स्विच में और एमसीबी में 32 एम्पियर की एमसीबी में दोनों में फर्क क्या है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ऐसी नई इलेक्ट्रीशियन वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके।
तो आज की वीडियो में बस इतने ही। जय हिंद, जय भारत।